नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और मैं आपके साथ हूं प्रवीण मिश्रा। दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले डॉलर जिस तेजी से मजबूत हो रहा है उसकी चुभन अफ्रीका के कम विकसित देश ज्यादा महसूस कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इनके विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। हालात को समझते हुए भारत अफ्रीकी देशों को मनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये देश भारतीय रुपए में कारोबार करें। कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने घरेलू आयातकों और निर्यातकों को डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में कारोबार करने की छूट दी है। माना जा रहा है कि अगर भारत अफ्रीका के बीच होने वाले 90 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का एक हिस्सा भी रुपए में होने लगे तो इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को गिरने से बचाने में काफी मदद मिलेगी। भारत अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप सम्मेलन में शामिल होने आए अफ्रीकी के कई देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि आरबीआई ने हाल ही में भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की पूरी छूट दी है। अगर हम भारतीय करेंसी में कारोबार करते हैं तो इससे दूसरी मुद्राओं में कारोबार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अफ्रीकी देशों के साथ ही नहीं बल्कि भारत उन सभी देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने को प्रोत्साहित करेगा जिनके विदेशी मुद्रा भंडार कम है या जिनकी मुद्राओं की कीमत अमरीकी डॉलर की बढ़ती ताकत की वजह से बेहद कमजोर हो गई है। मध्य एशिया के देश भी इस श्रेणी में शामिल है। भारत का यह प्रस्ताव तब आया है जब अफ्रीका के साथ उसका द्विपक्षीय कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में भारत और अफ्रीका का द्विपक्षीय कारोबार 56 अरब डॉलर का था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 89.5 अरब डॉलर हो गया है। CIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक इन देशों का द्विपक्षीय कारोबार 200 अरब डॉलर का हो जाएगा। पेट्रोलियम और खाने पीने की चीजों की दुनिया में बढ़ती महंगाई की मार अफ्रीकी देश भी झेल रहे हैं। नाइजीरिया में महंगाई दर 25% है तो वहीं अंगोला में ये 20% के करीब है। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों का 95% कारोबार डॉलर में होता है। ऐसे में डॉलर की मजबूती से इन देशों की मुद्राओं को बचाने के लिए ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने सलाह दी है कि इन्हें दूसरी मुद्राओं में ज्यादा कारोबार शुरू करना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज के साथ।